प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आप सभी विद्यार्थी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो आपके पास जो मैटर भेजा जा रहा है उसको आप अच्छी तरह पढ़ते रहें, क्योंकि ये महामारी के माध्यम से आपको ये जो दिया जा रहा है ये अच्छा दिया जा रहा है। वैसे ऑफलाइन में और भी अच्छा पढ़ाया जाएगा, बाकी जो ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको मैटर दिया जा रहा है ये भी अच्छा दिया जा रहा है, क्लास के अनुकूल दिया जा रहा है, तो इसको आप अच्छी तरह पढ़ें। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो आज वीडियो के माध्यम से जो मैटर चलेगा वो पहला छंद है अनुष्टुप छंद। प्रिय विद्यार्थियों, जो अनुष्टुप छंद है इसका लक्षण क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी पहचान क्या है, तो अपन लिखेंगे श्लोके षष्ठम, श्लोके षष्ठम गुरुगेयम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र लघु पंचमम। द्विचतुष्पाद्यो द्विचतुष्पाद्यो हंस्वम ह्रस्वम सप्तमम सप्तमम दीर्घम अन्यो, प्रिय विद्यार्थियों इसको समझे आप कि इस अनुष्टुप छंद में श्लोके षष्ठम एक छंद में चार चरण होते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसमें बताया है कि श्लोके षष्ठम श्लोक के प्रत्येक चरण के छठा अंक है वो गुरु गेयम गुरु मानो, यानी प्रत्येक चरण में जो छठा अंक है वो गुरु, सर्वत्र लघु पंचम और सभी चरणों में जो पांचवा वर्ण है पांचवा वर्ण वो लघु वर्ण है। द्विचतुष्पाद्यो दूसरे और चौथे पाद में, ये तो सबकी दे दी, पहला दूसरा तीसरा चौथा ही ये सबकी दे दी, लेकिन यहां पर जो दिया है कि दूसरे और चौथे पाद में छठा वर्ण लघु और सातवां दीर्घ माना जाएगा, ऐसे आपको बताया जा रहा है। पहले अर्थ लिखवाया जाएगा आपको, देखो अर्थ लिखेंगे इसका अनुष्टुप छंद में, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु तथा पांचवा वर्ण लघु, लघु वर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थी समझ गए होंगे, अनुष्टुप छंद में प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु तथा पांचवा वर्ण लघु वर्ण होता है, लघु वर्ण होता है। दूसरे व चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु व पहले व
तीसरे चरण में, पहले वे तीसरे चरण में सातवां वर्ण, सातवां वर्ण गुरु वर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थियों समझो आप कि दूसरे और चौथे चरण में जो सातवां वर्ण है, हैंसोम सप्तम सातवां वर्ण है जो लघु वर्ण, वह पहले और तीसरे चरण में, इसमें कहा ना दीर्घम अन्यो, अन्य को बोला अन्य जो रह गए, जो पहला तीसरा रह गया, पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण गुरु वर्ण होता है। प्रिय विद्यार्थी आप समझे होंगे कि इस श्लोक में, इसके छंद में प्रत्येक पाद में छठा वर्ण गुरु और पांचवा वर्ण लघु होता है, दूसरे और चौथे चरण में सातवां वर्ण लघु और पहले और तीसरे चरण में सातवां वर्ण दीर्घ माना जाता है। जैसे इसका उदाहरण बताया है आगे, उदाहरण देखिए आप इसका, उदाहरण देखिए आप, उदाहरण उदाहरण पहला जो है वो देखिए आप, यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अभ्युत्थानम् थानम अधर्मस्य अधर्मस्य तदात्मनम् तदात्मानम् तदात्मानम् सृजाम्यहम्। ये जैसे अपने पास उदाहरण है, पहला चरण ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, इसमें बताया कि श्लोके सिस्टम गुरु, एक दो तीन चार पाँच छः, ये क्या है गुरु, क्यों है गुरु, वैसे लघु है लेकिन आगे आधा रह होने से, आधा वर्ण होने से पहले वाला वर्ण दीर्घ माना जाएगा। इसी प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः ये गुरु, इसी प्रकार से एक दो तीन चार पाँच छः, एक अभ्यु था ने मैं अधर्मस्य सॉरी धर्मस्य, एक दो तीन चार पाँच छः ये गुरु, इसी प्रकार से आगे है एक दो तीन चार पांच है ये गुरु। तो श्लोके षष्टम गुरु यानी प्रत्येक श्लोक के प्रत्येक चरण में छठा वर्ण गुरु हो गया, छठा वर्ण गुरु हो गया और श्लोके षष्टम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचम और पांचवा वर्ण लघु, ये लघु ये लघु ये लघु और ये लघु, क्योंकि री छोटी है इसलिए लघु। द्विचतुष्पाद्यो दूसरा और चौथा ये पाद है, इसमें जो सातवां वर्ण है वो लघु रहेगा, सातवां वर्ण ये आ गया लघु और इसमें सातवां वर्ण क्या होगा ये लघु, और पहले और तीसरे वर्ण में, तीसरे चरण में पहला और तीसरा चरण में सातवां वर्ण क्या माना जाएगा गुरु, ये माना जाएगा। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे, एक इसका वो लिखवा देता हूँ मैं, एक उदाहरण और लिखवा देता हूँ, उस उदाहरण को आप मान लें, ये पहला उदाहरण था और दूसरा उदाहरण है, आप उसको और देख लें थोड़ा सा। दूसरा उदाहरण है अपि स्वर्णमयी
अपि स्वर्णमयी लंका, लंका नय में लक्ष्मण रोस्ते, नय में लक्ष्मण रोस्ते, जननी जन्मभूमि, जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि स्वर्गादपि गरीयसी। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में, इस उदाहरण में भी वही है, श्लोके षष्टम गुरु, एक दो तीन चार पाँच छः गुरु, ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः गुरु, ऐसे एक दो तीन चार पाँच छः गुरु, ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच छः गुरु। इस प्रकार से आपको इस अनुष्टुप छंद के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी कि श्लोके षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचम द्विचतुष्पादियो हंसम सत्वम दीर्घम अन्य। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको समझ गए होंगे कि अनुष्टुप छंद ये एक मात्रिक छंद है, मात्रा के आधार पर इसको माना जाता है, और इसको अपने वर्णिक छंद है ये, इसको वर्णों के आधार पर इसको माना जाता है, और वर्ण ही इसमें गिन करके, और वर्ण और मात्रा गिन, मतलब इसके अक्षर गिन करके इसको मान लिया जाता है। आज का वीडियो यही रहेगा, धन्यवाद।